और प्रवासी मजदूरों के लिए गठित कंट्रोल रूम की भूमिका में अब बड़ा बदलाव हुआ है। अब मजदूरों की घर वापसी लगभग पूरी हो चुकी है और अब ये कंट्रोल रूम कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा और कोविड सेंटर में बेड उपलब्ध कराने की भूमिका इसमें निभा रहा है। नेपाल हाउस में बने प्रवासी मजदूरों के लिए कॉल सेंटर की भूमिका से भला किसको इनकार हो सकता है। इसी कंट्रोल रूम में कॉल कर लोगों ने मदद पाई है। देश से लेकर विदेश तक के लोगों को इसी कंट्रोल रूम से घर की राह दिखाई गई। मगर अब मिशन घर वापसी करीब करीब पूरा हो चुका है और अब कंट्रोल रूम में लोगों के कॉल आ रहे हैं जो पूछते हैं कि उन्हें कोरोना हो गया है, कोरोना जैसे लक्षण है, उन्हें अस्पताल या जाँच का विकल्प बताया जाए। देखिए, माइग्रेंट्स को तो लेकर के हम लोग ने ऑलरेडी काम कर चुका है और अभी भी कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन अब हम लोग को कोरोना केसेस भी आ रहे हैं जो हमारी टीम अटेंड कर रही है। अभी तक अगर पिछला वीक देखें तो हम लोग को 20 to 25 केसेस हम लोग ने अटेंड किया है डायरेक्टली, तो ये है अभी जो चल रहा है। अब मामला सिविल सर्जन और स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत कर कोविड बेड उपलब्ध कराने, जांच कहां होगी, रिपोर्ट कब तक आएगी, ये बताने में बड़ी समस्या आ रही है। पेनफुल इस तरह से, क्योंकि कोई अपनी किसी को पॉजिटिव भी है तो वो बताना में हिचकिचाते हैं सबसे पहली बात, तो ये उस हिचकिचाहट को किस तरह कंसोल करें, हमारी टीम इस चीज़ पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक अगर फायदे की बात बोले तो ये एक इमोशनल चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। वो कैसा फील करता है एक व्यक्ति जो फोन के पीछे है, क्या फील करता है वो समझना बहुत मुश्किल है। शुरुआत के दिनों में इस कंट्रोल रूम में 150 के आसपास लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या भी घटाई गई है। कैमरामैन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूजीलैंड, भारत, रांची।